तो गाइज़ अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में ओरिजिनल MI स्क्रीन रिकॉर्डर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग अपने फ़ोन में अगर आपने गलती से भी MI स्क्रीन रिकॉर्डर का जो एप्लीकेशन है उसको आपने डिलीट किया हुआ है दोस्तों, तो उसको आप कैसे जो है डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको उसको जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है। तो MI स्क्रीन रिकॉर्डर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेनी है। और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन आता है सिस्टम ऐप अपडेटर करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, तो उनमें से ही आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का जो एप्लीकेशन है वो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सॉरी गाइस मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों नेटवर्क के कारण नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को वाईफाई जो है सेटिंग करना होगा पहले, तो यहाँ पर मैं वाईफाई सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में, और गाइज़ मेरे फ़ोन में डाटा नहीं है वरना मैं आपको जो है बता देता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली से आपको सिस्टम ऐप अपडेटर पे जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में MI स्क्रीन रिकॉर्डर को। और गाइज ये जो रिकॉर्डर है वो ओरिजिनल है, जो कि MI के फ़ोन में होता है वही रिकॉर्डर रहेगा। तो इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए।